हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या जियोलॉजी है तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जैसे आप यूजीसी नेट देते हैं उसी तरह से सीएसआईआर नेट भी होता है। सीएसआईआर नेट आपका कुछ विशेष सब्जेक्टों के लिए, विषयों के लिए जो साइंस के विषय होते हैं उन्हीं में कराया जाता है, लेकिन जो आपका यूजीसी नेट है लगभग ये आपका ऑलमोस्ट 84 सब्जेक्ट में कराया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीएसआईआर नेट के और जेआरएफ के बारे में। ठीक, इसकी लास्ट डेट कब है, फ़ीस कितनी है, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे एग्ज़ाम में कितना आपको करना पड़ता है, कितना स्कोर करना पड़ता है, पिछली मेरिट का भी डिस्कस किया जाएगा, और सिलेबस क्या है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है 2018 का पेपर है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका भू वायुमंडलीय और सागर और गृह विज्ञान से संबंधित यहाँ पे दिया है प्रश्न पत्र, ये 2018 का पेपर था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जैसे आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह से पीएचडी, उसमें आप पीएचडी में इनरोल होते हैं उसी तरह से आपका सीएसआईआर भी होता है, अर्थ साइंस से ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम डेट है स्टार्टिंग कब है। ये देखिए, जो फॉर्म आपका, जैसे यूजीसी का फॉर्म 16 से ही चालू हो गया है कल से, तो वैसे सीएसआईआर का भी फॉर्म आपका 16 से चालू होके 15 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक, और फीस जो आपका जनरल और ईवीएस कैटेगरी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपका 1000 रुपये है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का 500 है, एससी एसटी का 250 है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक, ये इसमें जीएसटी इंक्लूडेड, कैंडिडेट को ये पे करना पड़ेगा जीएसटी वगैरह, तो इससे कोई विशेष मतलब आपसे नहीं लेना देना है। और करेक्शन, जो फॉर्म करेक्शन की डेट है, यदि आपके द्वारा की गई कोई गड़बड़ी फॉर्म में है तो 18 से लेकर 24 अप्रैल तक आप इसको देख सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो 15 मई को डाउनलोड होगा, और एग्ज़ाम डेट जो है आपका 21 जून को होगा। ठीक, जैसे कि आप यूजीसी में देखते हैं कि उसमें कितने से 15 से लेकर 20 जून तक एग्ज़ाम डेट रखा गया है, तो ज्योग्राफी वालों को फ़ायदा ये है कि आप आर्थ साइंस में अप्लाई कर दीजिए तो 15 से 20 जून तक तो आपका एग्ज़ाम यूजीसी में हो जाएगा, और 21 जून को आपका रहेगा सीएसआईआर का। और जो यूजीसी में आप जो है जियोमॉर्फोलॉजी जो आप पढ़ते हैं, और एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, और ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका ये पूछा जाएगा। तो इससे यूजीसी से सीएसआईआर का एग्ज़ाम देने से आपको फ़ायदा मिलेगा। और हालांकि यहाँ का जो प्रश्न का लेवल रहेगा, जो सीएसआईआर का लेवल है, वह यूजीसी के प्रश्न के लेवल से काफ़ी अच्छा लेवल होता है। ठीक, और इसमें आपका देखिए 180 मिनट होंगे 3 घंटे के। ठीक, और सेंटर जो है आपका सब कुछ आपका एडमिट कार्ड वगैरह पे रहेगा, जुलाई सेकेंड वीक में जो है एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पेपर है वो कैसा आता है। एक बात और ध्यान देना आपको कि पेपर जो है वो आपका निगेटिव मार्किंग होती है उसमें, ध्यान रखिएगा, क्या नकारात्मक अंकन होता है वहाँ पे। अभी हम लोग आगे देखेंगे किसना होता है। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज, यानी कि जो आपका अर्थ साइंस है, इसमें 3 पार्ट में होता है जो पेपर आएगा, 3 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में आपको 20 प्रश्न दिए रहेंगे, दूसरे में 50, तीसरे में 80। ठीक, टोटल जो आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो जो आपका पार्ट ए रहेगा, पेपर आपका पूरा एक साथ होगा। ठीक, शुरुआत में जो 20 प्रश्न रहेगा वो आपका पार्ट ए में रहेगा। इन 20 प्रश्नों में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही करने हैं। कितना? 15 करने हैं, उससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं करना। यदि आप उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं तो पहले 15 प्रश्न ही चेक होंगे, उसके बाद के नहीं होंगे। ठीक, इसी तरह से पार्ट बी की बात करें तो पार्ट ए जो आपका है ये जनरल टाइप का है, इसमें आपका रीजनिंग वगैरह के प्रश्न रहते हैं। ठीक, पार्ट टू में आपका आ जाता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में 50 जो प्रश्न आएंगे, 50 में आपको कितने करने हैं, 35। ठीक,
मैक्सिमम अटेम्प्ट करने 35, इससे ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो पहले जो 35 आप किए हैं उसी को काउंट कर लिया जाएगा, उसके बाद का नहीं काउंट होगा। उसके बाद हम लोग बात करें जो थर्ड पार्ट इसमें रहेगा वो 80 रहेगा, उसमें 80 प्रश्न ये रहेंगे। 80 में केवल आपको 25 ही करने हैं। तो आपको सुन के ये आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप पेपर देखेंगे तो पेपर का जो स्टैंडर्ड लेवल आप देख के खुद ही समझ जाएंगे कि 80 में जो 25 ये चैलेंज कर रहा है एक प्रकार से आपको कि 25 मैक्सिमम करिए आप। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप मैक्सिमम 25 सही करिए 80 में, ठीक। तो 25 इसमें राइट आपको मैक्सिमम करने हैं, सही हो गलत हो ये आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। तो टोटल आपका कितना हो गया, 75 हो गया, 75। और टोटल ये मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक, मार्क्स की बात करें तो जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक। तो 15 क्वेश्चन यानी कि 15 यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स हो गया पहले में। दूसरे में भी 2 मार्क्स का रहेगा, तो दूसरे में 35 मैक्सिमम करना है, तो 35 × 70 हो गया, ठीक। तीसरा जो है 25 क्वेश्चन करने हैं, तो 25 में एक क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का होगा, यानी ये टोटल 100 का हो गया, 25 × 100, ठीक। टोटल जो है आपका 200 मार्क्स का। अब देखिए निगेटिव मार्किंग क्या है, निगेटिव मार्किंग जो आपका 2 नंबर का है तो इसमें 0.25 है, यानी कि आपका 25% है, ठीक। लेकिन जो आपका इसमें भी 25% है, ठीक, यानी कि आप कर सकते हैं कि 1/4 है। और जो पार्ट थर्ड में है ये 1/3 है, 33% है निगेटिव मार्किंग, ठीक। तो आप यहाँ से क्लियर किए कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में हो गया, लाइफ साइंस वगैरह में होता है ये, तो यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अर्थ साइंस में, जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा ज्योग्राफी में ह्यूमन था, फिजिकल था, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपके अंदर मिथक है इसको आप भूल जाइए। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको लिखा गया है कि कौन कौन लोग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट नेम, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका सब्जेक्ट में जो स्पेशलाइजेशन हो। जैसे आपका जियोलॉजी है, अगर आपने MSc जियोलॉजी की है तो आप तो श्योर है अप्लाई कर लेंगे। जियो फिजिक्स से आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेट्रोलॉजी से आपने PG किया है तो भी आप कर सकते हैं। आपका ओशियनोग्राफी रहा है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी रहा है तो भी आप कर सकते हैं। ह्यूमन है तो भी आप कर सकते हैं, ज्योग्राफी का है। इसमें जो छठा है ये अदर दिया था, ठीक, अदर्स। ह्यूमन ज्योग्राफी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता है, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका मेरिट थी वो कितनी गई है। मेरिट में यदि हम बात करें JRF की, जो मेरिट थी पिछली बार का है 57% गई थी, और जो नेट की थी वो 51 यानी 52 मान सकते हैं, ठीक। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 10% का अंतर है UGC और CSIR में, जो मेरिट का अंतर है। तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की वजह से इतना कम मेरिट आती है, ठीक। इसी तरह जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं उनके तो केवल 40% और लेक्चरशिप के केवल 36%, देख सकते हैं आप इतनी कम मेरिट है, ठीक। यानी JRF आपको 40% में ही CSIR में JRF पा सकते हैं आप। यदि आपका UGC में JRF नहीं हो रहा है तो आप CSIR में दीजिए और थोड़ा सा मेहनत करने पर आपको यहाँ पर JRF मिल सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आपका वहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ निश्चित तौर पे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, और मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। OBC की बात करें तो OBC में देखिए 51% JRF का था, 55.59 यानी मान चलिए 46% मान के चलिए 45.59 यानी 46% था। SC के लिए 42 और 38 के आलमोस्ट, जो ST हैं उनके लिए 39 था और 35 था। जो PWD वाले हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं जो पर्सन, उनका देखिए 25% केवल नेट, ओनली 25%, ध्यान से देख सकते हैं CSIR की इतनी कम मेरिट है। अगर इतनी कम मेरिट है तो इतना यानी कि जो पेपर का लेवल है अच्छा खासा लेवल होता है। कम मेरिट जाने का मतलब यही होता है कि पेपर का लेवल स्टैंडर्ड लेवल होता है। ये आपका JRF का हो गया।
और यहाँ पे देखिए कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का होता है। ये 2018 का हमने एग्ज़ाम दिया था उसका था ये। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका देखिए जो पेपर होगा, पेपर का पहला पेज इसी तरह से रहेगा, दोनों मीडियम में पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। और पार्ट ए में, और हाँ एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जैसे UGC की एलिजिबिलिटी है, सेम इसकी भी एलिजिबिलिटी वही 55% जो है जनरल के लिए, OBC का वही 50%, राइट। और भाग ए में देखिए 20 क्वेश्चन हो गए, भाग बी में 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक, भाग सी में आपका 80 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि आपको भाग ए में से अधिकतम 15, बी में 35, सी में 25 ही देने हैं उत्तर, ठीक। यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं, और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी गई है, ठीक, जो इसे हमने बताया वैसे ही सेम आपको यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। बस ये टोटल प्रोसेस हो गया। आप क्वेश्चन का जो लेबल है वो भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप CSIR का गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर और साइंस के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। यदि आप चाहते हैं तो हम एक उसका वीडियो अलग से बना देंगे, उसमें आपको पेपर का डिस्कशन कर देंगे, उसका आंसर की से क्या सॉल्व दिया है वो भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि इसमें यदि आप 20% जो दिए रहते हैं, आप लगभग 4-6 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि लगभग 10-20% प्रश्न आपको रिपीटेड यहाँ के मिल जाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। तो यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर CSIR का फॉर्म डालिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी ही है, एक ऐसा अवसर है कि आप UGC के साथ साथ CSIR भी कर सकते हैं। और हालांकि अब कुछ लोगों की ये होगी कि कुछ लोग ये पूछना चाहेंगे कि क्या ये UGC से कितना अलग है। UGC से अलग है इसका, जो यदि आप CSIR से JRF हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी रिसर्च करने जाएंगे तो आपको UGC नेट से ज़्यादा वरीयता, या भले आपको एग्ज़ाम में उतना प्रेफरेंस ना दें लेकिन जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें आपको काफ़ी प्रेफरेंस इसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि CSIR का JRF UGC के JRF से, जैसे लोगों की मेंटलिटी जो है, क्योंकि ये इसका जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा लेवल का आता है और टफ आता है, ठीक, और UGC का इसकी अपेक्षा आसान आता है, जैसा कि मेरिट से आप तुलना कर लिए, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें निगेटिव नहीं होता है। तो लेकिन जो आपका स्कॉलरशिप है उसमें कोई अंतर नहीं है, स्कॉलरशिप जो रिसर्च की मिलेगी 31,000, इसमें भी, इसमें भी आपका मान चलिए कि जो 35 तक पहुंच जाती है तो इससे ज़्यादा आपको 2 साल तक नहीं मिलनी है, उसके बाद आपका ये बढ़ जाता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।